हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो आज की वाली वीडियो में हम अपने 5M सर्वर में रेंजू की तरफ से आने वाला मल्टी कैरेक्टर की स्क्रिप्ट को ऐड ऑन करने वाले हैं, जिसमें आपको काफ़ी चीज़ें मिल जाती हैं। तो ये वाली स्क्रिप्ट को हम आज इंस्टॉल करने वाले हैं अपने क्यूबिकोर के सर्वर में, एंड दी क्यूबिकोर एंड ESX दोनों फ्रेमवर्क के साथ वर्क करते हैं। सो आप इसको डेफिनेटली ट्राई आउट कर सकते हो, एंड इसकी डाउनलोड लिंक मैं अपनी वेबसाइट पर दे दूंगा, आप वहाँ से ईजिली इसको डाउनलोड कर सकते हो। सो जस्ट डाउनलोड इट, एंड उसके बाद आपको अपने रिसोर्स फोल्डर में आ जाना है, देन इसको आपको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है यहाँ पे, देन रीनेम इट। ओके, सो इतना हो जाने के बाद आपको इसकी कॉन्फिग फाइल को ओपन कर लेना है। एंड यहाँ पे आपको इसकी बाकी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं, जिनमें आपको चेंजेस वगैरह करना चाहो तो आप यहाँ से इजीली इसको चेंज कर सकते हो। ये क्यूबिक क्लोदिंग, 5M अपीयरेंस, एलियनियम अपीयरेंस सभी के साथ वर्क करता है। सो देन यहाँ पे आप जब स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पे आपको बाकी इसकी इंफॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी। एंड सेकेंड चीज़ आपको यहाँ से इसका स्पॉन भी डाउनलोड कर लेना है, तो जस्ट डाउनलोड दिस वन को। एंड इसको भी आपको रिसोर्स फोल्डर में ले आना है, जस्ट रीनेम इट। ओके, इसके बाद आपको क्या करना है, जो हमारे बाय डिफॉल्ट हमें क्यूबी मल्टी कैरेक्टर एंड क्यूबी स्पॉन देखने को मिलता है, आपको उसको डिलीट कर देना है। तो जस्ट डिलीट दिस एंड क्यूबी मल्टी कैरेक्टर, ओके दिस वन टू। तो यहाँ पे हमारा वर्क कितना कंप्लीट हो गया है, देन आपको करना क्या है, रिफ्रेश, इंश्योर स्पॉन, इंश्योर रेंजू मल्टी कैरेक्टर। तो यहाँ पे हमने दोनों स्क्रिप्ट को स्टार्ट कर दिया है, एंड ये देख सकते हो यहाँ पे वर्क हो रहा है। तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस इसमें देखने को मिल जाता है रेंजू कैरेक्टर में। तो जब आप कैरेक्टर सेलेक्ट करते हो, आपको कुछ ऐसा एनिमेशन है, राइट साइड में आपको कैरेक्टर की इनफो देखने को मिल जाती है, एंड जब आप नीचे देखोगे तो यहाँ से चूज एंड डिलीट का भी ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है, एंड सभी कैरेक्टर के अलग अलग एनिमेशन एंड अलग अलग लोकेशन भी आपको देखने को मिल जाती है। तो वी जस्ट चूज दिस, देन इसके बाद आपको लास्ट लोकेशन एंड यहाँ पे कुछ सिलेक्टेड लोकेशंस देखने को मिल जाती हैं, जिनको आप अपने अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हो। सो हम PDB स्पॉन लेते हैं अभी, सो हेयर वी गो। देख सकते हो हम सक्सेसफुली यहाँ पे स्पॉन हो गए हैं विदाउट एनी एरर, एंड जो रेंजू की तरफ से जो मल्टी कैरेक्टर स्पॉन मेन्यू हमें देखने को मिलता है, वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है क्यूबिकोर के साथ, एंड ESX के साथ भी वो वर्क करता है। सो डेफिनेटली आप वहाँ पे भी उसको ट्राई आउट कर सकते हो, एंड दोनों स्क्रिप्ट की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, सॉरी मेरी वेबसाइट पे प्रोवाइड कर दूंगा, एंड वेबसाइट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, सो इजीली आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव ए गुड डे।